Hello students, welcome to maths class. I am Anpreet, your maths teacher from Raj International School. We are learning chapter 8, geometry. In previous video we have done exercise 8.3. In today's video I am going to explain you exercise 8.4. So let's start. बेटे आपकी जो exercise 8.4 है वो based है angle के ऊपर. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि angle क्या होता है, ठीक है? एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? When two rays or line segment meet at a point, जब कोई भी दो rays like this, ये rays मैंने draw की है, या फिर आप line segment draw करके भी, ऐसे, ठीक है? When two rays or line segment, ठीक है? Meet at a point, एक point पर meet करते हैं, तो वहाँ पर क्या बनाते हैं? They form an angle. ये आपके पास एंगल बनता है. और सेम जैसे हम लाइन सेगमेंट रे लाइन इनको नेम देते हैं, वैसे ही हम एंगल को भी नेम देते हैं, ए बी सी. अब इसमें हमारे पास कुछ पार्ट्स होते हैं बेटे एंगल्स के. आपके पास ये जो है इसको हम बोलते हैं आर्म्स, ठीक है? दिस वन इज आर्म्स. ये दोनों आपके पास आर्म्स है, ठीक है? और जहां पर ये दोनों रेज मीट कर रही है, सो दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स. जिस पॉइंट पर दो रेस या लाइन सेगमेंट मीट करते हैं और एंगल फॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है? सो एंगल में हमारे पास आर्म्स होती हैं, वर्टेक्स होता है, और एंगल के हम नेम्स राइट डाउन करते हैं, ठीक है? तो चलिए अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं. आपका क्वेश्चन वन है, इन द गिवन फिगर नेम. आपको एक फिगर दे रखिए, उसमें आपको नेम द एंगल, एंगल का नेम बताना है. सेकेंड पार्ट है आर्म्स ऑफ द एंगल, जो आर्म्स है उसकी, और थर्ड वर्टेक्स, ठीक है? सो हमारे पास एंगल को हम नेम कैसे देते हैं, देखिए. सबसे पहले हमें एंगल का सिंबल पता होना चाहिए. दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल, ठीक है? इस तरीके से हम बार बार एंगल लिखते नहीं है, एंगल का सिंबल बना देते हैं. अब एंगल हमारा कहां पर बना है? यहां पर बना है, इस पॉइंट पर, वर्टेक्स पर आपका एंगल बना है. तो आप इसको एंगल क्यू लिख सकते हैं, ठीक है? या फिर एक और तरीके से हम इसका नेम लिखते हैं, यहां पर और लगा लीजिए, और एंगल क्यू लिख सकते हैं. और आपका एंगल क्यू पर बना है और आपके पास रेस कौन सी थी, पी से लेकर क्यू तक और आर से क्यू तक, ठीक है? सो पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है? दोबारा समझा रही हूं, हम एंगल के नाम दो तरीके से दे सकते हैं. पहला, तो जिस वर्टेक्स के ऊपर आपका एंगल बना है आप डायरेक्टली उसी को लिख दीजिए. लाइक आपका क्यू वर्टेक्स और यहां पर आपका एंगल फॉर्मेशन हुई, तो मैंने लिख दिया ये एंगल का सिंबल है और क्यू. दूसरा, हम इसको थ्री अल्फाबेट्स में भी लिख सकते हैं, बट ध्यान रखना है कि जिस वर्टेक्स पर आपका एंगल बन रहा है वो आपको सेंटर में लिखना है, ठीक है? सो पी क्यू आर लिख सकते हैं आप इसको, या फिर आर क्यू पी, बोथ आर करेक्ट, ठीक है? सो दिस इज अ नेम ऑफ द एंगल हम कैसे देते हैं. नेक्स्ट, आर्म्स ऑफ द एंगल, तो मैंने अभी आपको बताई थी ये आर्म्स होती है हमारे पास. सो पी से लेकर क्यू तक पी क्यू, और दूसरी आर्म कौन सी आपके पास, क्यू आर, ओके. नेक्स्ट वर्टेक्स, वर्टेक्स मैंने बताया था आपको जहां पर टू रेज मीट करती हैं वहां पर उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स. तो वर्टेक्स आपका क्या है, क्यू. तो वर्टेक्स में आप लिखेंगे क्यू, ठीक है? इसी तरीके से आपका जो क्वेश्चन टू है उसमें आपसे फिगर बनाकर दी गई है, और जैसे इसमें क्वेश्चंस पूछे हैं वैसे उसमें है, तो सेम आपको इसी तरीके से करना है. बस एक चीज उसमें डिफरेंट है जो मैं आपको समझा रही हूं. हमारे पास एंगल में बेटे इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट्स भी होते हैं, ठीक है? सो इंटीरियर, देखिए नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, इंटीरियर इनका मतलब अंदर. सो जो पॉइंट्स इस एंगल के अंदर होंगे लाइक दिस, वो हो गए हमारे इंटीरियर पॉइंट्स. और एक्सटीरियर का मतलब जो पॉइंट्स बाहर होंगे, लाइक यहां एंगल से बाहर, ठीक है? सो जो एंगल के आपके अंदर आ रहे हैं तो वो पॉइंट्स आपके हो जाते हैं इंटीरियर पॉइंट्स, और जो एंगल से बाहर आ रहे हैं लाइक सी एंड डी, ये पॉइंट्स होते हैं आपके एक्सटीरियर पॉइंट. तो क्वेश्चन टू में इस तरीके से आप
देखकर चेक करके लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर। जो क्वेश्चन थ्री है उसमें आपको एंगल बनाना है, तो एंगल मैंने अभी आपको बताया था, स्केल लीजिएगा, टू रेज ड्रॉ कीजिए एंड यू विल मेक एन एंगल और उसको नेम दे दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन फोर है, नेम द एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। इस एंगल में जो भी आपके पास फिगर में एंगल्स बन रहे हैं उनके नेम देने हैं। तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं, देखिए एक एंगल मेरा ये बन रहा है, ठीक है, यहां पर बन रहा है ना ये एक रे, सो आप देंगे एंगल यहां से ए डी सी। ठीक है, दूसरा एंगल मेरे पास इन दो रेज का बन रहा है, सो यहां से स्टार्ट हुए ए से डी और डी से कहां गए बी, एंगल ए डी बी। देखिए मैं बार बार डी बीच में क्यों लिख रही हूं, क्योंकि एंगल तो आपका यहां पर डी के ऊपर फॉर्म हो रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट मेरा एंगल यहां पर बन रहा है, देखिए इस वाले में, तो नाम क्या आ गया बी डी ई, सो एंगल बी डी ई, तीन हो गए। और कोई बन रहा है इसमें, ठीक है, सो आपके पास देखिए दोबारा से समझा रहे, यहां से यहां तक मीट हुआ, ठीक है, सो मेरे पास ये वाली रे थी ए से लेकर डी, डी से सी, तो एंगल का सिंबल ए डी सी। दूसरा एंगल हमने ये बनाया, ठीक है, सो इसमें हमारे पास ए से रे स्टार्ट हुई डी और फिर यहां पर बी। ठीक है, तीसरा एंगल बी डी ई, यहां से आपकी बी से स्टार्ट हुई डी और यहां पर ई। ठीक है, सो आपके पास एंगल बन गया बी डी ई, डी आपका वर्टेक्स यहां पर हर बार आ रहा है जिसके ऊपर एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए हमने उसको सेंटर में यहां पर लिखा है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।